बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आयशा शेख, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स फ्रॉम खातून-ए- पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची, जिसमें से सेक्शन ए जो है वो वेक्टर एनालिसिस का है। हम लोग वेक्टर एनालिसिस से स्टार्टिंग लेंगे। वेक्टर एनालिसिस के लिए जो बुक हमारे पास है वो थ्योरी एंड प्रॉब्लम ऑफ वेक्टर एनालिसिस शॉम सीरीज़ की है। आई होप कि आप लोग अब तक ये बुक ले चुके होंगे। इस बुक में से शुरू के 6 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 जो हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स और द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये चैप्टर्स हम लोग फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और सेकेंड ईयर की मैथ्स में अच्छी तरह से कवर करके आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको एज प्रिलिमिनरीज करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। बुक में बहुत अच्छे सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हुए हैं और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं। हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उसको, उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और प्रैक्टिस करने से हमारी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी होंगी। तो ये 2 चैप्टर्स हैं जो हम लोग पहले से करते हुए आए हैं, हम इन्हीं से स्टार्टिंग लेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ये सब हमारे कोर्स को पूरा वेक्टर एनालिसिस के जो सेक्शन ए है उसको कवर करेगा। अच्छा जी, वेक्टर्स एंड स्केलर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे कि एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है या कोई भी रियल नंबर है, वो हमारे पास स्केलर है। अगर हम लेंथ ले लें, मैं कहती हूँ 5 सेंटीमीटर और मैं उसकी कोई डायरेक्शन ना बताऊँ तो वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो 5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ है तो हमने उसकी डायरेक्शन भी बता दी। जब मैग्नीट्यूड यानी कि 5 सेंटीमीटर और डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ, ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बनती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये सब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक नंबर मतलब मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डायरेक्शन भी होती है। ग्राफिकली हम वेक्टर को जो है एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये ए जो कि हमारे पास टेल है, ये ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट कहलाती है। जो हमारे पास बी है, ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट कहलाया जाता है। ज़रा सा हम इसको यहीं पे और डिफाइन भी कर लेते हैं। बुक में बोल्ड लेटर से जो है वेक्टर्स डिनोट किए हुए हैं। बहुत सी बुक्स में जो है वो एरो के साथ भी किया हुआ होता है। एरो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से इसी वेक्टर का अगर मैं स्केलर देखना चाहूँ तो हम उसको मॉड में लिख सकते हैं या हम उसको बगैर बोल्ड के सिंपली भी अगर लिखें तो ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो हमारे पास फर्दर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब ये कि जो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें जो हमारे पास अलजेब्रा में आती हैं, तो हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा में जो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे वो सबसे पहले हमारे पास है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में हमारे पास अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी है, जिसकी लेंथ भी सेम है और जिसकी डायरेक्शन भी सेम है, जो कि दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो वह हमारे पास इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ऑपोजिट वेक्टर्स वो होते हैं कि जो हमारे पास पैरेलल हों लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, तो हमारे पास ये ऑपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। सम और डिफरेंस जो है हम लोग ये भी पहले करके आए हुए हैं। सम और डिफरेंस क्या है? अगर हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर हमारे पास बी दिया हुआ है तो हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। रिमेंबर, हमने हेड टू टेल रूल इंटर में किया हुआ है और फिर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ए प्लस बी निकालते हैं। जैसे अगर फर्ज करें कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर ये बी दिया हुआ है और अगर हमको ए प्लस बी चाहिए है तो हम क्या करते हैं कि
ए के हेड पे बी के टेल को फिक्स करके और फिर इन दोनों को हेड टू टेल रूल से, या हम इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी कहते हैं, तो हम ए प्लस बी निकालते हैं। इसको भी हम आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो जाती है कि अगर हमारे पास एक रियल नंबर है उसको हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, जब हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी बनेगा या ए क्रॉस बी बनेगा, वो हम बाद में अगले चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ एक रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर की, वो हम देखेंगे। फिर हमारे पास जो है वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आते हैं। हमने ये लॉज पहले भी किए हैं, हम अभी भी इसके एक दो को सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट्स हम पहले लगाएं या बाद में लगाएं, जो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है वो भी होल्ड करता है। फिर हमारे पास एम ए इज इक्वल्स टू ए एम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वेयर एम इज एनी रियल नंबर, एम इज़ नॉट अ वेक्टर। इसी तरीके से एम एन ए, जब तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ब्रैकेट हमारे पास चाहे पहले लगे चाहे बाद में लगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। हेयर एम एंड एन आर एनी रियल नंबर बट आर नॉट वेक्टर्स। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एम प्लस एन ए के साथ और एम ए प्लस बी दोनों वेक्टर्स के साथ, ये दोनों भी होल्ड करता है। अब हमारे पास आता है यूनिट वेक्टर, हम लोग ये भी इंटर में करके आए हुए हैं। एक यूनिट वेक्टर जो है वो हमेशा डिफाइंड होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, या हम एक वेक्टर ए को हमेशा इस तरह से डिफाइन करते हैं कि यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास ये एक वेक्टर ए है तो इसका यूनिट वेक्टर ये होगा। इसी तरीके से द रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, हम इसको जो x एक्सिस पे हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा हमारे पास i होता है, जो y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर है वो j होता है, जो z एक्सिस पर यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास k होता है। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हम किस तरह से देखते हैं, हमारे पास अगर हम अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में चले जाएं और अगर हमारे पास एक पॉइंट होता था तो हम हमेशा उसको किस तरह से, इस तरह से मेजर करते थे। हम इसका एड्रेस कैसे निकालते थे, हम परपेंडिकुलर इसको एक्स एक्सिस पर मेजर करते थे और हम इसको परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर देखते थे। तो हमारे पास इस तरह से इसकी एग्जैक्ट एड्रेस पता चल जाता था कि क्या है। जब हम यहाँ पर भी ग्राफिकली, ये अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है तो हम इस वेक्टर ए पे पहुंचने के लिए किस तरह से पहुंचेंगे कि हम इसको परपेंडिकुलर देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कहाँ फॉल करता है, परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे कहाँ फॉल करता है और परपेंडिकुलर जेड एक्सिस पे कहाँ फॉल करता है। अगर फर्ज करें कि हम इस वक्त रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हैं और हम वेक्टर की नहीं, हम किसी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, वो अगर हमारे पास यहाँ मौजूद है तो हम हमेशा ये देखेंगे कि वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर कहाँ आ रहा है, इसी तरह से z एक्सिस पे परपेंडिकुलर वो कहाँ पे, और उसको फिर हम मेजर करते हैं कि वो x एक्सिस पर जो है वो परपेंडिकुलर किधर फॉल किया है, y एक्सिस पर जो है वो परपेंडिकुलर किधर फॉल किया है, इसी तरह से z एक्सिस पर वो परपेंडिकुलर कहाँ पे फॉल किया है, और हम उसकी जो है वो निकाल लेते हैं कि एग्जैक्ट उसकी लोकेशन या एड्रेस क्या है। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास ये इस तरह से दिया है तो ये ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, यूनिट वेक्टर हमेशा उसके साथ रहेगा क्योंकि ए वन जो है वो तो सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड दे रहा है, वो वेक्टर तब बनेगा जब हम उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के बराबर होगा एक वेक्टर, तो ये उसके कॉम्पोनेंट्स कहलाते हैं, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें
अगर हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो उसको हम मॉड से भी डिनोट कर सकते हैं, और हम उसको उसके ऊपर से अगर बोल्ड हटा दें, हम उसको सिंगल लिखें, तो ये भी हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। वो हमारे पास आता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर के रूट के। अच्छा जी, अब हमारे पास है स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड एक ऐसा कोई फंक्शन अगर स्पेस में हो जहाँ पे हर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो स्केलर है तो वो स्केलर फील्ड है, और वेक्टर फील्ड इसी तरीके से कि कोई कोई फंक्शन है स्पेस में जिसकी हर स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। स्केलर फील्ड जो है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई अगर फंक्शन है एक स्पेस में एक रीजन आर में जिस पे हर वैल्यू जो है हर पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है वो स्केलर हो तो वो स्केलर फील्ड कहलाता है। इसी तरीके से अगर स्पेस में कोई फंक्शन है या एक रीजन में कोई फंक्शन है जिसकी हर पॉइंट पर जो है जो वैल्यू आ रही है वो अगर वेक्टर है तो वो हमारे पास वेक्टर फील्ड कहलाएगा। हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अगर हम एक एक बर्तन में पानी को गर्म करें तो जो जो पानी का टेम्परेचर आ रहा है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन वो किसी डायरेक्शन में नहीं है, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब ये कि वो हमारे पास स्केलर फील्ड है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद जो टाइम के बाद जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो चेंज तो हो रहा है, वो फंक्शन है, लेकिन वो कोई वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर फील्ड है। ऑन द अदर हैंड अगर हम उसमें चमचा हिलाएं तो जो पानी डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगा, एक पॉइंट से वो नॉर्थ की तरफ भी जा सकता है, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी जा सकता है, वो ईस्ट की तरफ भी जा सकता है, तो जो पानी की डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे अगर हम लेंगे तो वो वहाँ से जो है वो वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन आ रही होगी, वो या तो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा या नॉर्थ ईस्ट की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, जो कि लेटर ऑन हम उसको वेलोसिटी का नाम देंगे, तो ये हमारे पास जो है वेक्टर फील्ड कहलाएगी। चलें अब हम थोड़े से इसमें से एग्जांपल्स देखते हैं, ये चैप्टर हमारे पास यहीं पर ख़त्म हो जाता है। हम एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं कि ए प्लस बी और बी प्लस ए को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी और हम इन दोनों का सम लें तो वो हमारे पास, और अगर हम इसको एक पैरेललोग्राम कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लें, ये बी है तो ये भी बी है, ये ए है तो ये भी हमारे पास ए है, तो ए प्लस बी का सम सेम है अगर हम यहाँ से ए प्लस बी से लें या हम बी प्लस ए से लें, तो हमारे पास ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का रिज़ल्ट सेम ही है अगर हम इसको इस पॉइंट को ओ लेते हैं और इस पॉइंट को हम पी लेते हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी भी ओ पी के बराबर है और बी प्लस ए भी ओ पी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको भी हम प्रूफ करते हैं, ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। हम इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि हमको ये पता है कि अगर हमारे पास सिर्फ a प्लस बी प्लस सी तीन वेक्टर्स दिए हुए हों तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, a प्लस बी a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास हेड टू टेल रूल से हम सम निकालते हैं, तो हमारे पास जो इसका सम आएगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा अगर हम उसको d का नाम दें तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है वो हमेशा d के बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे d के बराबर है। अब हम ज़रा सा अपने ब्रैकेट्स
चेंज करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट होगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए को हम पहले हम बी प्लस सी सॉल्व करें और उसके आंसर को हम ए से सॉल्व करें। तो बी प्लस सी का मतलब ये हुआ, ये हमारे पास आ गया बी प्लस सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी, हेड टू टेल रूल अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास आ गया डी के बराबर। सिमिलरली अगर हम ए प्लस बी पहले लें और फिर बाद में उसको सी से ऐड करें तो ए प्लस बी हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास ए प्लस बी, और इसमें हम जब प्लस सी करेंगे तो हमारे पास हेड टू टेल रूल से ये भी डी के ही बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये कि ये भी हमने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन किस तरह से बुक में हुआ हुआ है वो अगर हम बुक को खोल के देखेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द पोजिशन वेक्टर्स R1 एंड R2 फॉर द पॉइंट्स P2, 4, 3 एंड Q1, -5, 2 ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स i, j एंड k। हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है 2, 4, 3, ये हमारे पास पॉइंट है, और जो है हमें इसको अगर ये पोजीशन वेक्टर R1 कह रहे हैं, इफ दिस इज पोजीशन वेक्टर R1, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो x की डायरेक्शन में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो i है, y की डायरेक्शन में j है और z की डायरेक्शन में k है, i, j और k यूनिट वेक्टर है। कैप से हम इसको शो कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले x डायरेक्शन में 2 है। अगर हम कोई पोजीशन वेक्टर चाहिए तो हम सबसे पहले x डायरेक्शन में जाएंगे 2 यूनिट्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2i। यहाँ से हम y की तरफ 4 यूनिट्स लेंगे, अगर ये हमारे पास 4 यूनिट्स हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 4j। और फिर इसी तरीके से हम z, मतलब अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम यहाँ पे आएंगे 3 यूनिट्स हम ऊपर की तरफ लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3k। तो इसका मतलब R1 हमारे पास हो गया 2i प्लस 4j प्लस 3k। इसी तरीके से अब अगर हम देखें दूसरा पॉइंट हमारे पास है Q। अगर हम Q को यहाँ पर लें, Q के 1, माइनस 5 और 2 इसके हमारे पास। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर R2 है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया 1i। हम इसको लिखते हैं R2 इज इक्वल्स टू 1i, या सिर्फ हम i भी लिख सकते हैं क्योंकि ये x की तरफ 1 गया है। y जो अब हमारे पास जाएगा तो ये बैकवर्ड गया है, y इस तरफ पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव है, तो ये हमारे पास जो है -5, -5j और ऊपर की तरफ गया है, तो ये हमारे पास हो गया, ये हम हेड टू टेल रूल से कर रहे हैं, हमारे पास हो गया +2k। तो हमारे पास जो है R1 और R2 दोनों आ गए। चलें अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट ये कह रहे हैं कि फाइंड ग्राफिकली एंड एनालिटिकली द रिजल्टेंट ऑफ दीज पोजिशन वेक्टर्स।
देखते हैं ज़रा हमारे पास क्या है। हमने अभी R1 और R2 निकाला। R1 हमने निकाला 2i प्लस 4j प्लस 3k, और R2 हमने निकाला i माइनस 5j प्लस 2k। बुक में ये सारे वेक्टर्स बोल्ड दिए हुए हैं, हमारे पास तो बोल्ड नहीं है, इसलिए हम इन सब के ऊपर एरोज़ और कैप्स लगाएंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास जब हम ग्राफिकली देखते हैं कि हमको जो है वो रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे इस रिजल्टेंट को कैपिटल R से शो करें तो हमें रिजल्टेंट चाहिए है R1 प्लस R2, ये हमारे पास रिजल्टेंट हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करें 2 + 1 3i माइनस जे प्लस 5k, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऐसा है कि R1 प्लस R2 दोनों इस वक्त हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, तो हमको तो हेड टू टेल रूल चाहिए और हम जो है पैरेललोग्राम के थ्रू करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस R2 के पैरेलल हम ये वेक्टर बना लेते हैं, और जब हम इसका पैरेललोग्राम डायगनल लेंगे तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा, ये R1 है ये हमारे पास R2 है, तो हमारे पास R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के। अच्छा जी, एक हम और एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 24। एग्जांपल कहती है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स R1 प्लस R2। हम सबसे पहले ले लेते हैं, लेट द रिजल्टेंट वेक्टर बी कैपिटल R, दिस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और हमारे पास R1 प्लस R2 अगर हम देखें तो 2 प्लस 1 3i, 4 प्लस 2 6j, माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, हमने अभी स्टार्टिंग में किया कि अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर हमें इस रिजल्टेंट के पैरेलल चाहिए है यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा वेक्टर R डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमको निकालना होगा, मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे वो भी हमने देखा था, अंडर रूट होता है वो किसके बराबर, फॉर्मूला अगर हमने उस वक्त देखा था तो क्या था, a1² + a2² + a3² तो यहाँ पे R हमारे पास क्या हो जाएगा 3² + 6² + -2² लिखें आप इसको, यहाँ पे ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 7k। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा 3i + 6j - 2k डिवाइडेड बाय 7, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं i + 6/7j - 2/7k, ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स हमने अभी यहाँ पे की हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ये सॉल्वड हैं, लेकिन आप लोगों को ख़ुद से करने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं पे भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप खोलकर उसको बुक में से चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से सॉल्व किया है। ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो या तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फिज़िक्स में या सेकंड ईयर की मैथ्स में किए हुए हैं,
اور مزید آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر کریں گے. تو یہ سارے کویسچنز جو ہے وہ ضرور جو کہ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں آپ کو سالو کرنے ہیں خود سے. اور اسی طرح انسالوڈ میں جو سپلیمنٹری پرابلمز ہیں پیج نمبر 13 سے آن ورڈس وہ بھی آپ ضرور سالو کیجیے گا. اور اگر کہ کوئی پرابلم ہے اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو نیچے کامنٹس میں لکھیے گا, ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے. تھینک یو اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ لک.